डॉक्टर्स डे के उपलक्ष में AM मॉर्निंग राइजर कैंपेन में आज हमारे साथ है देश के जाने माने कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मुजफ्फरपुर से, जो हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखने के बारे में अधिक जानकारी देंगे। सो वेलकम डॉक्टर। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार है। मैं मुजफ्फरपुर में फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और SK मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा 30 से ज्यादा वर्षों का प्राइवेट प्रैक्टिस का और गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस है। मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये सच है कि ज्यादातर दिल का दौरा सुबह के समय होता है? हाँ, बिल्कुल सही है, 100% सही है। ज्यादातर हार्ट अटैक सुबह 6 बजे के बाद अर्ली मॉर्निंग में आते हैं। अर्ली मॉर्निंग में आने वाले हार्ट अटैक दिन में होने वाले हार्ट अटैक से ज्यादा सीरियस और सीवियर रहते हैं, यह भी देखा गया। धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे है कि डॉक्टर, आप मॉर्निंग हार्ट अटैक से कैसे बचाव करते हैं? हार्ट अटैक से बचाव का उपाय काफी सरल और काफी सस्ता है। आप अपने वजन को कंट्रोल में रखिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज कीजिए, खान पान में संतुलन रखिए। मानसिक तनाव हार्ट अटैक का शायद बहुत महत्वपूर्ण कारण है और एक स्मोकिंग भी है और भी बहुत सारी आते हैं। हार्ट अटैक से अपना बचाव अच्छी तरह कर सकते हैं और आसानी से और बिना खर्चे के कर सकते हैं। डॉक्टर, आपके दिल के लिए कौन सी स्लीपिंग पोजीशन सबसे अच्छी है? तो राइट लेटरल, दाएं तरफ। बचपन में गांव में कहा जाता है कि बाएं तरफ सो, लेकिन वो गलत है, बिल्कुल गलत। दाहिने तरफ आप सोते हैं, दाहिने करवट सोते हैं, तो आपका हार्ट बहुत ही वर्क करने का उसको मौका मिलता है। तो जो हार्ट के रोगी हैं, खास करके कार्डियक फेलियर के, तो उनको भी परेशानी कम होती है दाहिने करवट सोने से। और नॉर्मल हार्ट है उस पर भी स्ट्रेस कम पड़ता है, दाहिना करवट बेहतर है। सुबह सुबह दिल का दौरा पड़ने का क्या कारण है? सुबह के वक्त हार्ट अटैक आने के तो कई कारण है। बहुत दिनों तक तो हम लोग को कारण सही ढंग से पता ही नहीं था, लेकिन इधर जब बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी हुए हैं तो देखा गया है कि कोरोनरी आर्टरीज में क्लॉट के कारण जो ब्लॉकेज हो जाता है उसी के कारण होता है। यही मुख्य रूप से यही कारण है सुबह के वक्त हार्ट अटैक ज्यादा होने का।